हांसी में शहीद भगत सिंह संगठन समिति द्वारा आज शहीद मदनलाल ढींगड़ा का जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी नरेश यादव ढाणा वाले ने शिरकत की। नरेश यादव ने कहा कि हमें शहीद मदनलाल ढींगड़ा के जीवन से कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए। सर क्या कहेंगे, जैसे कि आज यहाँ पे आप कार्यक्रम में आए थे, किस तरह का कार्यक्रम था ये? बहुत अच्छा कार्यक्रम था और जो ये कमेटी है जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, जो हमारे देश के शहीदों को याद किया जाता है किसी न किसी बहाने से, ज़रूरी है क्योंकि इनका समाज के उत्थान में बहुत बड़ा महत्व रहा है। उस महत्व को ऐसे याद करना आगे आने वाली पीढ़ी को एक संदेश भी है कि जितने भी हमारे से देश के शहीद हुए हैं वो सारे के सारे शहीदों को ऐसे सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं हमारे क्षेत्र के अंदर कि जिसकी वजह से आज हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है। इस तरह की सौगात यहाँ पे आज आपने इस संस्था के नाम से दी है? ऐसा है, हम सौगात देने वाले कोई नहीं होते, ये बाबा की मर्जी है। किसी न किसी जगह का कोई विकास कार्य होना होता है, कोई ना कोई टाइम आ जाता है। अब इसका टाइम आया है कि ये एक चीज़ बनी थी लेकिन जिस ढंग से इसका विकास होना चाहिए था वो विकास इसका नहीं हो पाया है। मैं आप किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जिसने की कोशिश तो उसने की है और कोशिश करने के बाद हमने देखा है कुछ कमियाँ इसके अंदर रह गई हैं, उनको आप पूरा करेंगे और इसको इसका नवीनीकरण करके और इसको बहुत सुंदर पॉइंट बनाएंगे। सर बात करें शहीदों के नाम से लाल सड़क है, सुनने में आ रहा है कि लाल सड़क का भी मतलब इस बार आपकी तरफ से जीर्णोद्धार होगा और वो फिर से लाल नजर आएगी। देखिए मेरी पहले भी आपसे बात हुई है, बैक टू बैक कोई भी चीज़ को अपने संकल्प में लेना अच्छी बात है लेकिन अगर उस पर कार्य ना कर पाए वो बहुत गलत बात है। तो अभी हमारे करीबन 18 से 19 काम टोटल चल रहे हैं टीम नरेश यादव के, एसएन के ट्रस्ट के। इससे आगे जब हम ये काम कंप्लीट हो जाएंगे तो निसंदेह मेरा एक मन में है कि जो हमारी हांसी की लाल सड़क है ऐतिहासिक, उसको बहुत सुंदर लाल सड़क के रूप में हम बनाएंगे और लोगों को दिखेगा, शहर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उस लाल सड़क की चर्चा होगी और बिल्कुल उसको चांदनी चौक के पैटर्न पे बनाएंगे हम। लाखों रुपए की लागत से इसकी बात नहीं, अगर सुधार होता तो हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती, सुधार नहीं है तो मैं आ गया हूँ, सुधार कर देंगे। इस रोड की बात करें तो क्या बर्सी गेट की तरह इस रोड का भी कभी नंबर आएगा? मैंने कल ही मार्केट के प्रधान अजय से बात करी है, अजय सैनी जी से, कि मार्केट के सब लोगों को इकट्ठा करके तुरंत प्रभाव से आप मीटिंग करें और सारे व्यापारी एकता करके इसका जो काम है वो टीम नरेश यादव और एसएन के ट्रस्ट को सौंप दें। बहुत सुंदर बाजार, हिंदुस्तान का सबसे सुंदर बाजार इसको बनाएंगे हम, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चला है कि बार बार इसके टेंडर कैंसिल हो रहे हैं, सड़क के 4-5 बार टेंडर हो चुके हैं और वो टेंडर कैंसिल हो जाते हैं। अब मुझे जो लग रहा है, मेरे को जो सुनने में आता है, व्यापारी लोग जो बता रहे हैं, यहाँ भ्रष्टाचार की लड़ाई है और उसका पूरा का पूरा खामियाजा मेरे व्यापारी भाई उठा रहे हैं। तो मैं सब व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि तुरंत हिसाब से आप इकट्ठे होइए और इन भ्रष्टाचारियों की नकेल निकाल दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपनी मार्केट का काम करेंगे, सब भाई इकट्ठे हों और इसको रोल मॉडल बाजार के रूप में हम विकसित कर देंगे, आप हमारे पर भरोसा कीजिए। थैंक यू सर। शहीद भगत सिंह संगठन समिति की ओर से शहीद मदनलाल ढींगड़ा का जो जयंती 140वीं आज यहाँ हमारे सभी साथियों द्वारा मनाई गई। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे KL ग्रोवर जी थे और इसमें हमारे जो यहाँ के समाज सेवी हैं नरेश यादव जी भी मौके पर पहुँचे, शिरकत की। उन्होंने इस पार्क के बारे में, यानी कि उनके अंदर एक शहीदों की इतनी अच्छी भावना थी, उन्होंने कहा कि इस पार्क को काफ़ी सालों से वो भी देख रहे हैं और हम भी मांग करते आ रहे हैं क्योंकि इस पार्क में बहुत कमियां रह गई हैं। उसमें हमारे जो आज मुख्य अतिथि के रूप में नरेश यादव जी पहुंचे, आप सभी जानते हैं, वो एक बहुत ही सामाजिक काम करते हैं, शहर के अंदर सुधार, गाँव में सुधार करते हैं, तो वो भी यहाँ शिरकत की। और पत्रकार जी, उन्होंने आज यहाँ एक ऐलान किया कि इस पार्क को जो हम चाहते थे, हमारी समिति चाहती थी कि इसकी रिलिंग, इसके अंदर घास हो, पानी हो, कुर्सियाँ हो, बिजली हो, आज हर चीज़ को उन्होंने माना। उन्होंने ये कहा कि पार्क के लिए हमें अनुमति मिल जाएगी, हमने कहा एप्लीकेशन देके अनुमति ले लेंगे, जिसको हम ही सारे मिलके नरेश यादव जी का सहयोग से इसको मोटिवेट करेंगे और इतनी अच्छी बनाएंगे
कि लोग कहते हैं जो देखने आएंगे, मैं उन शहीदों को सच से नमन करता हूँ।